खानदानी दुश्मनी चल रही है, जहां दोनों एक दूसरे को देखते ना मारने शुरू कर देते हैं। काला नमक है तो ये सब ना बछड़ों के हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बछड़े खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है भाई आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई हाज़िर हुए हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। आज हम बछड़ों को देने वाले हैं भाई मसाला, हरा मसाला जो हाजमे के लिए होता है। तो देखते हैं आज हम कौन कौन से बछड़ों को देंगे। अच्छा, हमारे फार्म पे ना आज एक न्यू एंट्री हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आज की वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो मुर्गों का आपस में कोई खानदानी दुश्मनी चल रही है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ना मारने शुरू कर देते हैं। अभी अच्छा खासा पिटा है, नहीं पटा, बच गया उसके लगी है शायद। बच गया ये उसके लगी है भाई शायद, देखते हैं इसको क्या हुआ। तो भाई यहाँ पर बन रहा है हमारा हरा मसाला, जिसे हरी चटनी भी बोलते हैं। इसमें भाई प्याज है और लहसुन अदरक और अपना हरी मिर्च है, ये जो कूट रहा है भाई इसको, लीमू है, पुदीना है और काला नमक है। तो ये सब ना बछड़ों के हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी हम ये मसाला बना रहे हैं, इसके बाद बछड़ों को देंगे। इसके बाद भाई पानी नहीं पिलाना बछड़ों को, अभी हम देंगे जब भी इसके बाद पानी नहीं पिलाएंगे बछड़ों को, सुबह पानी पिलाएंगे ताकि इसका असर रहे और सुबह बछड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी उठा पाए। ये हमारा भाई हरा मसाला हो चुका है तैयार, अभी हम फेंटी लगाओगे इसको, फेंटी मारो। ये भाई ये आखिरी तड़का लगा रहा है शाफे, ये देख ले। हाँ ये माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है। ये सॉल्ट बे बनने की कोशिश कर रहा है, वापस कर भाई, एक बार फिर ये तड़का लगाएगा। ये क्या बात है। लीमू वीमू सब इसमें मिक्स कर दिए, पुदीना प्याज और लहसुन अदरक सब कुछ इसमें मिक्स हो गया, और अभी ये बछड़ों को देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो फार्म पे एक बहुत प्यारी सी न्यू एंट्री हुई है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये मिक्स हो चुका है हमारा मसाला। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एक न्यू एंट्री हुई है, बहुत ही प्यारी सी न्यू एंट्री हुई है, और आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, तो ये है हमारी न्यू एंट्री, ये देखें भाई माशाल्लाह, ये हमारी न्यू एंट्री है भाई, कल ये पैदा हुई है। आजा आजा आजा,
ये आई है भाई हमारी नई बछड़ी, माशाल्लाह से देखें इसको कितनी खूबसूरत बछड़ी है भाई। हम इसको पालेंगे अपनी गाय के नीचे, देखें इसकी झालर, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह झालर और नाफ, बछड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। हम इससे दोस्ती भी कर लेंगे और इसको पालेंगे भी और इसको छुपा देंगे। तो भाई उम्मीद है आपको ये न्यू एंट्री हमारी पसंद आई होगी, और जो भाई कमेंट्स में इसका लोग नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा, अभी हम इसका नाम सोच रहे हैं, मुंतशा अभी हम इसका नाम सोच रहे हैं, अभी हमने इसका नाम नहीं रखा। भाई कमेंट्स में इसका नाम बताएं क्या रखना चाहिए, और दुआ करें अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसको बड़ा करे, आमीन। माशाल्लाह से बहुत प्यारी नाम चाल है, अभी इसको चश्मा भी लगाते हैं और चश्मा नहीं पहन रही भाई वो। आओ यार ये पकड़ो ना, ये छोटे बच्चे पकड़ो, इसको दूध पिलाओ, साफ कर दिया है। पकड़ो तो कुछ तो आएगा, अभी हम भाई इसको दूध वूध पिलाएंगे और आपको दिखाएंगे। और हमारा कट्टा भी आ गया, दो मिनट, कट्टा भी माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, अल्लाह पाक इसको नजर से बचाए और 2025 में इसको हम तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारी गायें देखें, चार चार बच्चों को एक साथ भी दूध पिला देती है और इसको कोई टेंशन भी नहीं होती। कालू अपने तन पे रो, ये कालू है, ये दो इसके अपने बच्चे हैं, एक हमारी न्यू जो बच्ची आई है वो है, ये हम इसी से ही सबको दूध पिलाएंगे। ओए हट जा तू, बस वो तो ये फौरन से अडॉप्ट कर लेती है किसी का भी बच्चा। भाई हमारी वाली गाय के नीचे दूध खत्म हो गया, इसका पेट नहीं भरा तो अब हमने इसको लगा दिया इस गाय के नीचे। माशाल्लाह से गाय चुपचाप पिला रही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई तो हमने इसको दूध तो पिला दिया, अब ये खेल रही है माशाल्लाह, अपनी मस्तियां कर रही है, पीछे पीछे भाग रही है। वे गिर गई।
तो भाई अभी हम मसाला देने जा रहे हैं बछड़ों को, अंधेरा होने से पहले पहले। तो चले भाई दिखाते हैं आपको बछड़ों को कैसे मसाला दिया जाता है। आपको दिखाने वाला हूँ जो हमने मसाला बनाया था, अब हम वो बछड़ों को दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मसाला कैसे दिया जाता है इनको। ये देखें, ये भाई इस तरह से इनको मसाला देते हैं। पहले हमने इनको पानी पिला लिया, अब इनको हम पानी नहीं देंगे। ये भी हमारे साथ साथ घूमने जा रही है, अब ये भी साथ साथ ही घूमने जा रही है भाई पीछे पीछे। तो ये बछड़ा खा रहा है मसाला। यार नीचे थाल रखो, ये जाया हो रहा है। ये है भाई मसाला, इसमें सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है और ये बछड़े खा रहे हैं। इनके एक तरह से इनका हाजमा सही करने के लिए मसाला दिया जाता है इनको। ये भाई अब आ गई चमचम की बारी मसाला खाने की। ये मसाला खाएगा। अरे बंद कर दूसरा। ये भाई इसको भी दे दिया है पहला मसाला। तो गाजर का हलवा जैसे खाया था ना इन्होंने मज़े से, मसाला इतनी मज़े से नहीं खाएंगे। अच्छा भाई, तो आज मैंने आपको बताया कि मसाला कैसे बनता है और मैंने अपनी आपको छोटी बछड़ी से मिलवाया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग अभी कमेंट्स में उसके लिए भाई नाम भी सजेस्ट करें। और भाई अभी मसाला चल ही रहा है बछड़ों को, तो अंधेरा होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो उसकी अपडेट मिलती रहे। तो पलाई के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, हमारी पलाई अभी ओपन है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को भाई वीडियो और काम अच्छा लग रहा होगा और पलाई भी अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाएँगे उसमें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।